से मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। अगर आप लोगों को मेरी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। मैं आपको वचन देती हूँ, आज के बाद मैं राधे श्याम जी से कभी नहीं मिलूंगी। विजय ने सुमित्रा देवी पे मुकदमा दायर कर दिया। अच्छा, उसका यकीन है कि जायदाद पे कब्जा पाने के लिए सुमित्रा देवी ने उसकी माँ का खून कर दिया। लेकिन इसके पहले भी एक शादी हो चुकी है। बेटी, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, किसी और का नहीं। मुझे शादीशुदा था, उसकी पहली पत्नी है, ये क्या कह रहे हैं आप? सुमित्रा देवी झूठ बोल रही है। पुरुषोत्तम बहुत परेशान है विजय बाबू। जब से सुमित्रा देवी ने बताया कि तुम्हारी एक और बीवी है, उसकी रातों की नींद हराम हो गई है। मैं जानना चाहता हूं असलियत क्या है। कितनी बार कहूंगा कि ये सब सच नहीं है, कितनी बार कहूंगा कि सुमित्रा देवी झूठ बोल रही है। और अगर ये झूठ सच निकला तो नहीं, मान लेते हैं सुमित्रा देवी तो झूठी है, लेकिन तुम भी कोई दूध के धुले तो हो ना। देखो विजय बाबू, अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इस मामले को यही दबा दूंगा। मुझ पर लगाया हुआ हर लांछन गलत है, ये साबित करने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, चलता हूं। माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या कहना है? बाबूजी से कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही, इसलिए तुमसे कह रहा हूं मैं। क्या कहना है, बोलता क्यों नहीं? मुझे माँ, मुझे रोमा से शादी नहीं करनी। क्या रोमा से शादी नहीं करनी? कभी कहता है रोमा से शादी करूंगा, कभी कहता है रोमा से शादी नहीं करूंगा। तुम हर वक्त अपने इरादे बदलते रहोगे और हम तुम्हारे इरादों पर कठपुतलियों की तरह नाचते रहेंगे क्या? गुस्सा मत हो माँ, कठपुतली तो मैं बन गया था। मॉरिशस जाकर जब मैंने देखा कि मित्तल अंकल कितने अमीर हैं, कितनी दौलत है उनके पास, मैं अपने होश में नहीं रहा। लेकिन अब जब सोचता हूँ तो लगता है मुझे कभी रोमा से प्यार था ही नहीं। माँ, आप किसी भी तरह बाबूजी को समझा लो, मैं ये शादी नहीं कर सकता। शादी 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 के अलावा तुम्हें कुछ सोचता नहीं? तुम्हारे बहन के घर में क्या चल रहा है, इसका कुछ पता है तुम्हें? क्या क्या हो रहा है प्रीति के घर में? सुमित्रा जी का कहना है दामाद जी की पहली बीवी जयपुर में बैठी है, प्रीति उनकी दूसरी बीवी है। क्या ये क्या कह रही हो तुम? ईश्वर करे वो औरत झूठ कह रही हो, लेकिन मैंने जब से सुना है मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा। मैं अभी प्रीति के घर जा रहा हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? दिल्ली जा रहा हूँ। क्यों? बिजनेस के सिलसिले में। अचानक? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अब मैं काम के सिलसिले में कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ इसकी इजाजत तुमसे लेनी पड़ेगी मुझे। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने आपसे एक सीधा साधा सवाल पूछा है। तो मत पूछो ना सवाल, वैसे भी जवाब देते देते तंग आ चुका हूँ मैं। दुल्हन, तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आए हैं। मम्मी आई? हाँ, कब से तो आप बैठे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। समुद्र के साहिल पे जब मच्छी को तड़पता हुआ देखती थी ना, बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज जब तुम्हें देखती हूँ, मुझे वो ही मंजर याद आता है।
थोड़ा इंतजार कर लो सुमित्रा देवी, और भी बहुत कुछ याद दिलाऊंगा। विजय, मेरे लिए परेशान मत हो। जिस भवन में तुम खुद फंसे हो ना, जरा वहां से निकल के तो बताओ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मी, किस पर यकीन करो किस पर ना करो। कुछ पूछते हो तो एकदम बिगड़ जाते हैं, किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देते। विजय कहाँ है? दिल्ली के लिए निकल ही रहे हैं, कहते हैं ऑफिस का कुछ काम। नमस्ते माँ जी, कैसे सुभाष? अच्छा प्रीति, मैं चलता हूँ, फ्लाइट का वक्त हो गया। फ्लाइट अगर मिस होगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मैं दिल्ली पहुंच के फोन करता हूँ। ये दिल्ली नहीं, जयपुर जा रहा है। अपनी पहली बीवी के साथ मामला क्या है? सुमित्रा देवी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, रुपयों के लालच में आप किसी भी हद तक गिर सकती हैं, झूठ बोल सकती है, धोखा दे सकती है, लेकिन आप इस बार मैं आप लोगों को धोखा नहीं दे रही। जिंदगी में पहली बार मैंने इतना बड़ा सच कहा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, विजय से बदला लेने के चक्कर में आप मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। अपनी जिंदगी आबाद करें या बर्बाद, ये दुल्हन के हाथ में है। अगर ये विजय की पहली बीवी के साथ समझौता कर ले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने उसे फोन करके बुला लिया है, दो चार दिन में वो आके ही होगी। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मैं प्रीति के घर गई थी, सुमित्रा देवी ने कहा वो साबित कर सकती है कि विजय की शादी हो चुकी थी और उसकी पहली बीवी किसी भी वक्त वहां पहुंच सकती है। कर दिया आने में, कितनी बेसब्री से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। प्रीति, प्रीति, आओ दुल्हन आओ, इससे मिलो। विशाखा, विजय की पहली बीवी। हेलो, शुक्र है आप मिल गए, वो आ गई है, आप प्लीज जल्दी घर आइए। और आ गई? वही लड़की, उसका नाम विशाखा है, वो कह रही है कि वो आपकी बीवी है। तुम फिक्र मत करो प्रीति, मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं अभी पहुंच। ड्राइवर, गाड़ी मोड़ो, हम वापस घर जा रहे हैं। तुमने विजय को वापस बुला लिया? चौंक गया होगा सुनकर कि उसकी पहली बीवी पहुंच गई है। ये लड़की उनकी बीवी नहीं है। अरे, विशाखा को देखकर भी तुम्हें यकीन नहीं होता कि वो उसकी पहली बीवी है? पर यकीन है और ना ही आप पर। ओह, सिर्फ अपने पति पे यकीन है। राजा राजवाड़ों की परंपरा से तुम अभी तक वाकिफ नहीं हो। अरे, अनगिनत शादियां करते थे ये लोग, अपनी बीवियों की शक्लें भी इन्हें याद नहीं होती थी। लेकिन तुम बहुत खुशनसीब हो,
विजय की सिर्फ दो बीवियां, पहली विशाखा और दूसरी तो खुद स्वीकार नहीं कर देते। मैं आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगी। विजय भी बहुत खुशकिस्मत है, उसकी बीवी अपनी आंखें बंद करके यकीन कर रही। लेकिन हाथ कंगन को आर से क्या, विजय आ जाएगा तो विशाखा को उसके सामने खड़ा करके पूछेगा, पतिदेव ये लड़की आपकी कौन है? मैं भी तो देखूं क्या जवाब देता है। जब से मित्तल का फोन आया है मैं बहुत परेशान हुआ पूर्णा। मैंने समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूं उसे। ये सब आप प्रीति की वजह से कह रहे हैं ना? हाँ, इस वक्त हम सब उसी उलझन के शिकार हैं। ऐसे में ब्याह की तैयारियां कैसे कर पाएंगे हम? न जाने प्रीति के भाग्य में क्या लिखा है। उसकी घर गृहस्थी बनाए रखने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन हर बार कोई ना कोई नई समस्या खड़ी हो जाती है। और इस बार तो आपने उनका कर्ज चुकाने के लिए 2 करोड़ रुपए भी दिए ना? कौन है बताया तुमने? प्रीति ने बताया। तब से मैं यही सोच रही हूँ कि इतने सारे रुपयों का प्रबंध आपने कैसे किया होगा। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी से कर्ज लिया पड़ा। किससे? मित्तल से। ये क्या किया आपने? मैं अपने किए पर खुद बहुत शर्मिंदा हूं। मैं सुभाष को कहा करता था कि कर्ज लेना भीख मांगने के बराबर है लेकिन अब खुद मैंने भी वही किया। प्रीति की खातिर करना पड़ा मुझे। मैं जानता हूं वो लोग हमें लूट रहे हैं, हमसे रुपया छीन रहे हैं लेकिन हम जानते हुए भी लूट रहे हैं। बस अब कोई शक नहीं रहा कि सुमित्रा देवी और विजय ने सिर्फ रुपयों की खातिर प्रीति को अपने घर की बहू बनाया। विशाखा, विशाखा, प्रीति ने विजय को फोन करके वापस घर बुला लिया है। तुम तैयार हो ना? जी। जैसा सिखाया था वैसा ही करना। जी। प्रीति, प्रीति रो मत, कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना। अच्छा हो गया, तुम आ गए। उस बेचारे की आंखें तरस गई तुम्हें देखने के लिए। आओ विशाखा, आओ, आओ बेटा, अपने पति के पांव छू लो। कैसा ब्याह? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं और तुम कहती हो कि मैंने तुमसे ब्याह किया था। ये सुमित्रा देवी ने कितने रुपयों में खरीदा तुम्हें? हाँ, ये ढूंढ तुम किसके? कैसी बातें कर रहे हैं आप? पत्नी क्या बिकाऊ होती है? पत्नी क्या बाजार में बिकती है? मैं कितने साल आपको ढूंढती रही, कितने साल आपका इंतजार करती रही और आज मुझे ये सुनना पड़ रहा है कि चंद रुपयों के लिए मैं आपकी पत्नी होने का ढोंग कर रही हूँ। इससे तो अच्छा होता मुझे आने से पहले ही मौत आ जाती। प्रीति, प्रीति, ये
लड़की झूठ बोल रही है, इसका एक एक लफ्ज सफेद झूठ है, तुम उसकी किसी बात पर यकीन ना करना। इसके माँ का सिंदूर, माथे की बिंदिया और गले पे पहना हुआ मंगलसूत्र, क्या ये भी सब झूठ है? इसके माँ का सिंदूर, माथे की बिंदिया, गले का मंगलसूत्र बाजार में 2-2 रुपए में बिकता है। अगर तुम इसे खरीद सकती हो तो क्या ये नुमाइश चीजें नहीं खरीद सकती? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये लड़की मेरी बीवी है? कोई भी लड़की किसी गैर मर्द को अपना पति नहीं कहेगी। अगर तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम्हारी पति नहीं है तो करके बताओ। देखो बेटी, बेटी परेशान मत हो बेटा, जो आदमी इतने साल तुमसे दूर रहा और जिसने तुम्हारी कभी परवाह नहीं की, वो इतने आसानी से कैसे मान लेगा कि तुम उसकी पत्नी हो? प्रीति, प्रीति तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं सच कह रहा हूं? विश्वास है, लेकिन डर लगता है कहीं ये विश्वास टूट ना जाए। वो लोग जो कह रहे हैं वो अगर सच निकला तो मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगा? तुम मेरी पत्नी हो, सारी दुनिया से झूठ बोल सकता हूं लेकिन तुमसे नहीं। सिर पर हाथ रखकर भी कि वो लड़की आपकी बीवी नहीं है। प्रीति, अब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि मैं सच कह रहा हूं, मुझे तुम्हारी कसम खानी है। देखो प्रीति, वैसे भी मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे तो है। प्लीज मेरी खातिर, मेरे विश्वास के खातिर एक बार कह दीजिए कि लड़की आपकी बीबी नहीं है। प्रीति, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं कि उस लड़की से मेरा कोई संबंध नहीं है, अब तो मेरा यकीन करो। देखो प्रीति, सिर्फ तुम हो इस दुनिया में मेरे लिए। सुनिए, चाय। मम्मी। प्रीति, अब क्या हो गया है भगवान? क्या हुआ मम्मी? क्यों रो रही है तू? बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ बेटा? बाबूजी वो आ गई है। कौन आ गई है? वही जिसके बारे में सुमित्रा देवी ने हमें बताया था, विजय की पहली बीवी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपड़े रख रही हूँ अलमारी में। रहने दो, पहले इस घर में कदम तो जमा लो, उसके बाद घर से रचाना, समझी? जी। देखो, तुम्हारी शॉपिंग इतनी लेके गई है, विजय नीचे अकेला बैठा है, जाओ उसके साथ जाके बैठो। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, वो डांटेंगे तो? तुम्हें उसे नहीं डरना चाहिए, इस वक्त तो वो तुमसे डरा है। जाओ और देखो, एक कप चाय लेके जाना और एक सेकंड प्ले भी मत भूलना कि तुम उसकी बीवी हो। बैठे, चुप हो जा, एकदम चुप हो जा। क्या हुआ मुझे साफ साफ बता, वो लड़की इस वक्त तेरे घर में है? हाँ मम्मी, इन्होंने मुझे यकीन दिलाया है, मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाई है कि उनका उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल बैठा जा रहा है। सुमित्रा देवी ने अपनी चाल चली थी। हो सकता है ये महज चाल ना हो, हकीकत हो। धोखेबाज वो औरत है, विजय नहीं। अब तो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, किसी पर भी नहीं। एक बार विश्वास तोड़ने के बाद दोबारा भरोसा नहीं कर सकते।
देखिए बेटे, जब तक वो लड़की वहां है तू वहां नहीं जाएगी, तू यहां रहेगी हमारे पास। नहीं नहीं, प्रीति का वहां रहना ही ठीक होगा। क्यों? क्योंकि वो घर प्रीति का है। कोई भी लड़की आकर अगर ये कहे कि वो विजय की पत्नी है तो प्रीति अपना घर छोड़कर यहाँ चली आएगी। आप विजय से बात कीजिए। मुझे अब इस विजय से तो बात करनी ही होगी। ठीक है बेटा, तू एक काम कर, तू अपने घर जा अभी। कोई बहस कोई झगड़ा मत करना। अब जो कुछ भी होगा उसे तो मैं निपटूंगा। चाय लाई हूं आपके लिए। तुमसे किसने कहा चाय लाने के लिए? सुमित्रा जी ने। और क्या क्या कहा है उसने तुमसे? और क्या पट्टी पढ़ाई है उसने तुम्हें? देखिए देखिए, आप मुझे डांटिए मत। आप डांटेंगे तो मैं रो दूंगी। इतने साल आपकी याद में रोती रही, अब और मत रुलाइए मुझे। मेरी याद में रोती रही हो तुम? आखिर तुम हो कौन? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? वही जो राम का सीता से है। आप अपनी सीता को छोड़कर चले आए, एक बार मुड़कर भी नहीं देखा, और आज मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। आखिर ये दुख कब तक सहना पड़ेगा मुझे? मैंने तुम्हें कोई दुख नहीं दिया है। तुम और सुमित्रा देवी दोनों मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहते हो। लेकिन जाकर कह देना उससे, मैं इस जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों जाल में फंसूंगी आपको? आपको फंसने वाली तो वो लड़की है जिससे आपने दूसरी शादी की। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। जिस तरह से मैं तड़पी हूँ आपके लिए, अब वो तड़पेगी। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट। खबरदार जो दोबारा अपनी शक्ल मुझे दिखाई दो। मैं नहीं जाऊंगी। बहुत तपस्या के बाद ये घर नसीब हुआ है मुझे। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये आपके साथ? और तुम कहाँ गई थी? मैं बाबूजी से मिलने गई थी। बाबूजी से मिलने गई थी या उनके सामने रोने धोने गई थी? हर बात अपने बाबूजी को बताना अपना फर्ज समझती हो क्या? देखिए मैं प्रीति, अपने पति पर विश्वास रखना सीखो। इस घर की चार दीवारी के बाहर इस घर की कोई बात नहीं जानी चाहिए, समझी तुम? बासाहेब जीते रहो। इसे आशीर्वाद क्यों देते हो पुरुषोत्तम? ये इस लायक नहीं है। जब किसी पर बुरा वक्त आता है, बड़ों के आशीर्वाद की उसे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। साहब, मैं आपका मशवरा लेने आपके पास आने ही वाला था। मशवरा तब मिलेगा जब पूरी बात का पता चलेगा। अब तक तो यही नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है। साहब, आप तो जानते ही कि मैंने सुमित्रा देवी पर मुकदमा दायर किया। उसी का बदला लेने के लिए उसने ये नाटक खेला है, जिसमें वो लड़की भी शामिल है। आपको बता नहीं सकता बासाहेब कि मैं कितना परेशान हूं। आप मेरी मदद कीजिए, इस मुसीबत से मुझे छुटकारा दिलवाइए। उस लड़की के बारे में तुम जानते हो? बासाहेब, मैंने तो उस लड़की की शक्ल भी कभी नहीं देखी। आपको मेरा विश्वास करना होगा बासाहेब, मेरा विशाखा के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा है तब तो इस समस्या का हल बहुत आसान है दामाद जी। वो क्या? कानून की मदद दीजिए। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है कि एक लड़की जबरदस्ती आपके घर में घुस आई है और आपकी बीवी होने का दावा कर रही है। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाएगी और आपको फौरन इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। मैं पुलिस के चक्रों में पड़ना नहीं चाहता। क्यों? पुलिस से डरते हो क्या? अपनी बदनामी से डरता हूँ। सिर्फ अपनी नहीं, हम सबकी बदनामी होगी बासाहेब। हमारी चिंता मत करो, बहुत सा हमने और सह लेंगे। मशवरा चाहते हैं ना बासाहेब से? मशवरा मिल गया, अब हम मत करो। बासाहेब, क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता?
मेरा मतलब कोई ऐसा हल जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मतलब ये कि उस लड़की को बचाना चाहते हो तुम। देखो दामाद जी, अगर तुमने पुलिस कार्रवाई नहीं की तो हम सोच लेंगे कि सांप तुम हो। अरे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जायदाद का झगड़ा तुम्हारे और सुमित्रा देवी के बीच में है, इसके लिए प्रीति को क्यों परेशान किया जा रहा है? अगर वो लड़की आज तुम्हारे घर से रवाना ना हुई तो कल पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंच जाएगी और पुलिस में रिपोर्ट हम लिखवाएंगे उसके खिलाफ, समझ गए ना दामाद जी? चलो बढ़े। किसका पहरा है लहरों को किसने बांधा है किरण पे किसका पहरा